नाम आपका और यहाँ पे किस पद के लिए आपने यहाँ पे उम्मीदवारी की है? देखिए, मैं मोहम्मद सलीम रुकू खान, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आज मैंने नामांकन किया। क्या मुद्दे रहेंगे और किस पार्टी से आपने यहाँ नामांकन किया, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच? देखिए, जनता के बीच में हमारा सिर्फ विकास का मुद्दा है, काम का मुद्दा है, भाईचारे का मुद्दा है, इसी मुद्दे पे हम चुनाव। क्या क्या सोचिए अगर जनता इस बार फिर आपको क्या चेयरमैन के लिए क्या जिताती है, अगर जीत दर्ज करते हैं तो क्या क्या सोचें, क्या नौतनवा का विकास करना चाहिए? देखिए, नौतनवा का विकास तो निरंतर हो रहा है और होता रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है गरीबों की सेवा करना, लोगों के सुख दुख में शिरकत करना, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। कोरोना जैसी महामारी में जहाँ लोग घरों में थे, वहाँ मैं घर घर जाके लोगों की सेवा की, सेवा भाव के नाते, सेवा करने के नाते नगर पालिका परिषद नौतनवा की कुर्सी पे लगातार यहाँ की महान जनता ने हमें 3 बार लगाया और चौथी बार भी उनका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलेगा। क्या 3 काम रहेंगे अगर चौथी बार आपको आशीर्वाद मिले? देखिए, काम तो निरंतर चलते रहेंगे, विकास का कोई अंत नहीं है। हमें यहाँ एक बेहतरीन पार्क का निर्माण कराना है और मैंने इससे पहले भी तमाम हमारे मीडिया भाइयों ने पूछा कि आप पेयजल पे क्या कहना चाहिए। पेयजल पे मैं आपको बता चुका हूँ कि अमृत पॉइंट 2 एक योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है, हर घर में टोटी देने का। तो यहाँ मैंने प्रस्ताव बनाकर वहाँ भेज दिया है, प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया है और जल्द से जल्द नौतनवा नगर पालिका में 23 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट जल्दी यहाँ चालू हो जाएगा। हर घर में टोटी लगेगी, पानी की समस्या दूर। चाहे पैदल चल सके आराम से बैठ जा भाई, ठीक है।